सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी घर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे पाकिस्तान के फेमस सेलिब्रिटी शेफ आते हैं और अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ आपको गिफ्ट भी मिलता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लकी ड्रॉ होगा और उसमें आप फूड टैग का बहुत अच्छा गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करें, फौरन करें ताकि आप रेसिपी भी हासिल कर सके, नए नए शेफ की वो क्या क्या आपसे शेयर कर रहे हैं और साथ ही गिफ्ट भी हासिल कर सके। तो आज आपका सवाल होगा कि आयशा आज क्या रेसिपी लेके आई है। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही यूनिक है। आप मेरे रेस्टोरेंट में एग फ्राइड राइस तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन पाइनएप्पल एग फ्राइड राइस आपने सुना भी नहीं होगा। तो वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, साथ में आपको बताऊंगी कि आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं और साथ आपसे प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी और किस तरह से बनेगी ये रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम अपना स्टेव ऑन करते हैं और हम यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं फूड टाइम के चूल्हे पे। बहुत ही अच्छा है और इसकी कुकिंग प्रोसेस जब आप करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट कुकिंग होती है। साथ इसका ओवन है, जब आप बेकिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बेकिंग आपकी परफेक्ट बने। तो उसके लिए ओवन का टेम्परेचर का बहुत ही बेहतरीन होना, परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो होटल आपके लिए लाया है बहुत ही बेहतरीन ओवन माइक्रो ओवन, तो आप अपने घर में लाएं और खुद ही घर में बेकिंग करें और पैसे बचाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था, उसमें ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे एग फ्राई करने हैं। तो पहले से एग हमने यहाँ पे 2 एग ले लिए थे, चेक करके डालेगा एग खराब होते हैं। तो आपने पहले एक डाला, फिर उससे अलग आप बॉल में डाले थे, एक और डाले फिर उससे अलग बॉल में डाले। इस तरह से क्या होगा कि आपके एग खराब नहीं जाएंगे। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें ताकि अच्छा सा लग रहा है, इसे बस अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल के हम छोटे छोटे टुकड़ों में बना रहे हैं। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं जाएगा, ना सॉल्ट जाएगा ना कुछ और जाएगा, बस सिंपल ये अपने एग का कर लिया था, इस तरह से कर लेते हैं। अब ये इतने एग हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि हम चिकन के साथ क्या करेंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं और इसे प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं, सेम बिल्कुल रेसिपी रहेगी। बस क्या करना है, यहाँ पे हमने चिकन लिए क्यूब में, आप इसे प्रॉन्स भी ले सकते हैं। और फिर आप इसमें शामिल करेंगे चिकन टिक्का मसाला और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा बिल्कुल लेमन जूस ऐड करेंगे, अच्छा फ्लेवर देंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे लगा के आप रख लें चिकन पे, बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा चिकन पे। और क्या होगा कि टेस्ट अंदर तक चिकन के जा
जाएगा। इसमें हम सब्जी में क्या क्या डालें, इसमें कैप्सिकम डालें हैं, ग्रीन प्याज डालें, इसके दोनों पार्ट हम शामिल करेंगे। साथ हम इसमें गाजर चॉप हुई भी इस तरह से वो डालेंगे सिर्फ कलर्स के लिए। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसका कैरेट भी ले सकते हैं। लहसुन हमने डाला था, इसमें बारीक चॉप हुआ वो शामिल कर दिया, साथ ही इसमें अनियन का ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट शामिल कर देते हैं। एग भी दिख रहा है जो हमने फ्राई करके डाला था कलरफुल,
और सारी सब्जियां जो भी हमने डाली थी कैप्सिकम हो गया इसमें इसमें अनियन हो गया ग्रीन अनियन डाले थे सब आपके सामने है प्यारी सी खूबसूरत सी डिश तैयार है इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आ रही हमारी ये रेसिपीज तो अपना फीडबैक दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फूडी क्रिएट